देखा मास्टर साहब तब को जाना ना कौन तब है भैया कि आंगना न फूलाई फूला बेलो आए ना नहीं आंगना न फूलाई फूला बेलो आए ना नहीं पाजली बधाईया दुआरा बाबूजी ये तर्ज रहे लेकिन गाने के भाव में कहना है कि ये हमारे बड़े भैया आदरणीय आप सुभाष निराला जी इनकी तरफ से 50 रुपए का हार्दिक पुरस्कार आया है आपको हार्दिक वंदन अभिनंदन है आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह मनुष्य तन बहुत ही भाग्य से बड़े सौभाग्य से मिलता है। जब इंसान संसार में जन्म लेता है तमाम मोह माया में बंध जाता है साथियों, उसको तमाम तरह की मोह माया घेर लेती है, चिंता हो जाती है, तमाम नात रिश्तेदार यहाँ मोह माया पैसे घर द्वार सभी घेर लेते हैं। लेकिन जब इस शरीर से जीव निकलता है बाबूजी, तब उस समय आपका कोई साथ नहीं देता है, जीव अकेला ही जाता है। गाने के भाव में कहना क्या मास्टर? छूट गई है सपाही के प्रीतरे संगतिया, छूट गई है सपाही के प्रीतरे संगतिया, मिल जाई मतिया मतिया बाबूजी। जिस दिन शरीर से प्राण निकलता है उस समय शरीर नश्वर हो जाती है और आपको इस अर्थी पर सजा कर घाट पर पहुंचा के जला देते हैं बाबूजी। उस समय आपके साथ ना कोई साथी जाएगा ना रिश्तेदार जाएगा, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए अंतरंग भाव में कहना मास्टर हरे हर बस डोलिया सजाई बाबूजी की तरफ से 100 रुपए का सादर पुरस्कार आया है आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, वंदन है, आशीर्वाद की कामना है। अगले बंद में कहना बाबूजी
बाबू जी, जो इस संसार में आया हो कभी ना कभी जाएगा, कोई अमर होकर नहीं आया है। बस कोई आज गया है, कोई कल जाएगा, सभी का समय निर्धारित है। इसलिए अंतरिक भाव में कहना मास्टर, बारी बारी जाना हो मानस ससुरारी, अच्छा आप आदरणीय हमारे अखाड़े के श्रेष्ठ गुरुदेव आदरणीय आप ननकुराम पाल जी की तरफ से साथ सुंदर पुष्पहार और 51 रुपए का सादर आशीर्वाद आया, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। बारी बारी जाना होई मानस ससुरारी, हमारे बड़े भैया श्री शारदा प्रसाद मिश्रा जी की माता जी की मामी जी की तरफ से 100 रुपए का सादर आशीर्वाद आया, हम उनके चरण में कोटि कोटि नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। अच्छा, ये हमारे आदरणीय भैया श्री शारदा प्रसाद मिश्रा जी के भांजे जी प्रदीप पांडे भैया जी की तरफ से 51 रुपए का सादर आशीर्वाद आया, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। बारी बारी जाना होई मानस ससुरारी, अगले बंद में कभी कहता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य तन प्राप्त होता है बाबूजी। इसी में आप चाहे अच्छा कर्म कर लीजिए, चाहे बुरा कर्म कर लीजिए, लेकिन जब आपकी मृत्यु होती है तो उस समय जीव किस रूप में जन्म लेगा दोबारा, यह कोई नहीं जानता बाबूजी। इसलिए अंतरिक भाव में कहना मत, ना जान पौगा कब मनाई के पानवा, कुकुर प्यार होगा जान ना जहानवा।
कहा है कि आप लाखों करोड़ों का मकान बनाइए, कितनी भी आपके पास संपत्ति हो, लेकिन यह छोटा सा जीव कहाँ भी निवास करता है, कहाँ बसेरा लेता है, कोई नहीं जानता बाबूजी। इसलिए अंतरंग भाव में कहना मास्टर। लख चौरासी खासी माया का मकान हुआ, मिल जाई माटिया माटिया में।